यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ, नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। और जो कविता मैं लेकर आई हूँ उसमें आप पाएंगे कहीं ना कहीं सर्वाइवर्स की आप बीती। मैं शुरू करती हूँ। सुंदर लड़की, नज़ाकत वाली लड़की, जिसके सपनों का राजकुमार उसे सफ़ेद घोड़े पर लेने आएगा ना, हाँ वही लड़की। महफूसियत में पलने वाली पाक लड़की, घर की लक्ष्मी कहलाई जाने वाली और ठीक उसी तरह चमक धमक में लिपटी, बोलचाल और लिबास के सलीके वाली लड़की, मीठी मीठी मिश्री सी बातें करती, मीठी मीठी मिश्री सी बातें करती और ना जाने समाज के ऐसे कितने ही अलंकारों से सजी हुई लड़की। बस ये झूठी कहानियां अब मत सुनाओ मुझे, ये झूठी कहानियां अब मत सुनाओ मुझे, जिंदगी क्या है ये खुलकर बताओ मुझे। वो राजकुमार मेरे चेहरे को देखकर चांद कहेगा, वो राजकुमार मेरे चेहरे को देखकर चांद कहेगा, बहुत सुन लिया। उस चांद के आग में झुलसने की भी कहानी सुनाओ मुझे। वो अपनी ताकत, अपना गुस्सा या अपनी चालबाजी मुझ पर आजमा सकता है, वो अपनी ताकत, अपना गुस्सा या अपनी चालबाजी मुझ पर आजमा सकता है। मैं अपनी आवाज धीमी कर लूं, इसका एक कारण तो बताओ मुझे, और इसका एक कारण तो बताओ मुझे। और आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप रसोई घर में माँ के पास जाकर खड़े हुए होंगे, और जब वो पराठे सेंक रही हो या पकोड़े तल रही हो, और अचानक ही मामूली सा तेल का एक छींटा आपके बदन पर आकर गिर जाए, आप कैसे तिलमिला उठते हैं, चिल्लाते हैं और हफ्तों तक दवा लगाकर इंतज़ार करते हैं अपने आपके ठीक होने का, फिर से उसी रूप में आ जाने का। लेकिन मैंने महसूस किए हैं ऐसे ही सैकड़ों छींटे मेरे चेहरे पर, वो छींटे जो कभी मुझे मेरे बीते कल में वापस ना ले जा पाए, वो जो ठहर गए ना सिर्फ मेरे बदन पर उतर गए मेरे जहन में, मेरे हौसले और मेरे आत्मविश्वास को चीरते हुए। मेरे ही जैसी कुछ और भी बहनें बताई जाती हैं, मेरे ही जैसी कुछ और भी बहनें बताई जाती हैं अपने लिए हमारी आवाज़ उठाना जिसकी बड़ी वजह बताई जाती है। ये देश है मेरा, यहाँ दुष्कर्मी खुला घूम सकता है, ये देश है मेरा, यहाँ दुष्कर्मी खुला घूम सकता है, दर्द कम ना रह जाए शायद इसलिए पीड़ित को सजा सुनाई जाती है, दर्द कम ना रह जाए शायद इसीलिए पीड़ित को सजा सुनाई जाती है। और झूठ कहते हैं कि बाहरी सुंदरता दिखावा है, झूठ कहते हैं सब कि बाहरी सुंदरता दिखावा है, तुम्हारे भीतर के विचार तुम्हें दर्शाते हैं। जब सैकड़ों नजरें आप तक आएं, आकर रुक जाएं और बेचैनी से पलट जाएं, तब शायद आपको पता चलेगा कि आपकी चमड़ी की आग आपको अंदर तक झुलसाकर कितना काला कर देती है। याद है मुझे जब जिंदगी को रुखसत करने के ख्याल आते थे, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी सब मानो अचानक ही अनजान बन जाते थे। दिल ने कितनी ही बार चाहा कि काश वो कोई बुरा सपना होता, लेकिन हकीकत में लिपटे कितनी ही रातों तक वो स्याह ख्वाब आते रहे। मंजर यूं था कि मैं दो राहों में से एक चुन सकती थी, ठहराव के बाद गति तेज करती या फिर वहीं बिखर सकती थी, या तो कर सकती थी ईर्ष्या इस दुनिया की चकाचौंध से, या फिर अपने नए रूप में इठलाकर समर सकती थी। पर जब वहां से निकली तो जाना कि मैं आजाद हूं, खुशी हुई ये जानकर कि दुनिया भर के झूठे सौंदर्य विज्ञापन अब मुझे लुभाएंगे नहीं, लड़की हो थोड़ा तो बन संवर कर रहो, दुनिया वाले ये कहकर सताएंगे नहीं, अब मेरी सोच और मेरी आवाज का
अब मेरी सोच और मेरी आवाज़ से सीधी रूबरू हो सकेगी ये दुनिया, अब मेरी सोच और मेरी आवाज़ से सीधी रूबरू हो सकेगी ये दुनिया, क्योंकि मेरी त्वचा के गहरे नकाब अब आड़े आएंगे नहीं, क्योंकि मेरी त्वचा के गहरे नकाब अब आड़े आएंगे नहीं। और अफसोस मुझे खुद पर नहीं, अफसोस मुझे खुद पर नहीं उस शैतान पर होता है, अफसोस मुझे खुद पर नहीं उस शैतान पर होता है जिसके इरादे अब भी कभी मुकम्मल हो पाएंगे नहीं, जिसके इरादे अब भी कभी मुकम्मल हो पाएंगे नहीं। और अगली कुछ पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो मैं हर लड़की और हर नारी शक्ति का आह्वान करते हुए पढ़ती हूँ, और जो सोचती हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम महफूज हैं, उनके लिए। ना दे दिलासा खुद को, ना दे दिलासा खुद को कि मैं तो हूँ महफूज सही, अगर हाल बेहाल रहा ऐसे ही तो अंत तेरा भी दूर नहीं। क्यों आज तुझे हर कदम कदम तक, क्यों आज तुझे हर कदम कदम पर एक साथ ताकना पड़ता है, हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ तक एक हाथ मांगना पड़ता है। और कब तक मुट्ठी भर नाम तू, कब तक मुट्ठी भर नाम तू कल्पना और झांसी के गिनवाएगी, ना बाल भी बाका होगा किसी का जब तक ना तू खुद सशक्त बन जाएगी। आज स्वाभिमान तेरा किसी कानून का मोहताज नहीं, आज स्वाभिमान तेरा किसी कानून का मोहताज नहीं, कर खत्म स्वयं उन बहसियों को जो भूल चुके तेरा अस्तित्व कहीं। चुप्पी तेरी थी बस कल तक, आज जुनून ये तेरा है, चुप्पी तेरी थी बस कल तक, आज जुनून ये तेरा है, कांप जाएगा हर शैतान तेरी आवाज़ से, ये दावा भी मेरा है। तो हाथ दे अपना संग मेरे, हाथ दे अपना संग मेरे, अपना घुट घुट कर तुझको मरना है, दुख मातम और गूंगेपन का ये पन्ना आज पलटना है, ये पन्ना आज पलटना है। धन्यवाद।